सब्सक्राइब कीजिए निगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे। दोस्तों, आप रोहित शर्मा को दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले को भारतीय टीम ने 8 विकेट से जीत लिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने कॉलिन ग्राहम के अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में 158 रनों का लक्ष्य खड़ा किया। भारत की ओर से कृणाल पांड्या ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। जवाब में उतरी भारतीय टीम ने रोहित शर्मा के अर्धशतक और ऋषभ पंत के 40 रनों की पारी की बदौलत ये मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया। रोहित शर्मा ने 50 रन की पारी की बदौलत ढेर सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। तो चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो में रोहित शर्मा द्वारा बनाए गए सभी रिकॉर्ड के बारे में। रिकॉर्ड नंबर 1, रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन यानी 2288 रन बनाए। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले मामले में उन्होंने मार्टिन गुप्तिल और शोएब मलिक को पीछे छोड़ दिया। रिकॉर्ड नंबर 2, रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज भी बन गए। रोहित शर्मा ने अब तक 102 छक्के लगाए। अब रोहित शर्मा को मार्टिन गुप्तिल और क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 2 छक्कों की दरकार है। रिकॉर्ड नंबर 3, रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 50 से ज्यादा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। इस मामले में उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ा है। रिकॉर्ड नंबर 4, रोहित शर्मा साल 2016 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। रिकॉर्ड नंबर 5, रोहित शर्मा भारत के बाहर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए। रोहित शर्मा ने इस बार 1526 रन बनाए। इस मामले में उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ा है। रिकॉर्ड नंबर 6, रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी T20 मैचों में सबसे ज्यादा बार 50 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप करने वाली तीसरी जोड़ी बन गई। रिकॉर्ड नंबर 7, रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए। रिकॉर्ड नंबर 8, रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले दूसरे भारतीय फील्डर बन गए। रिकॉर्ड नंबर 9, रोहित शर्मा ने कप्तान के तौर पर T20 क्रिकेट में विराट कोहली के बराबरी के मुकाबले जीत लिए। जहां विराट कोहली ने 20 में से 12 मुकाबले जीते थे, वहीं रोहित शर्मा ने 14 में से 12 मुकाबले में जीत हासिल किए। रिकॉर्ड नंबर 10, रोहित शर्मा न्यूजीलैंड की धरती पर T20 का मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान भी बन गए। तो दोस्तों, रोहित शर्मा के इस अचीवमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? क्या रोहित शर्मा आने वाले समय में भारतीय टीम के कप्तान बन सकते हैं या नहीं? आप अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।